हेलो एंड वेलकम टू शाखा मामा शेफ। आइए आज बनाते हैं बहुत ही यमी झटपट से बन जाने वाली एक डिश जो है बैंगन का भरता। इसे हमने एक अलग अंदाज से बनाया है जिससे कि इसका स्वाद दुगना हो जाता है, इसलिए वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 3 टेबलस्पून तेल डाल रहे हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज प्याज डाल रहे हैं जिसे हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक कि प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर से इसे 1 या 2 मिनट के करीब रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को आप बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 मीडियम साइज फाइनली चॉप्ड टमाटर। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि टमाटर थोड़े नरम ना पड़ जाए, थोड़े टेंडर ना हो जाए, आप कह सकते हैं करीब 5 मिनट। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर एज पर टेस्ट और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक एज पर टेस्ट और 2 मिनट के करीब पका लेंगे। हमने एक बड़े बैंगन को अच्छे से गैस स्टोव पे रोस्ट कर लिया है। इसका छिलका उतार के इसे काट कर हमने मैश कर लिया है। इस रोस्टेड मैश्ड बैंगन को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। कढ़ाई को हमने कवर कर दिया है और 5 मिनट तक सिम पे पकने देंगे। अब फिर से हम इसे 5 मिनट के करीब पैलेट हिलाते हुए पका लेंगे। फ्लेम को आप बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं कुछ चॉप्ड हरी मिर्ची, ग्रीन चिलीज, जो आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं एक खास इंग्रेडिएंट जिससे भरते का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हम इसमें डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट जिसे हमने दरदरा पीस लिया है। इसका अपना ही एक अलग फ्लेवर आता है और इसको भरते में डालने से बैंगन का भरता बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके गैस स्टोव को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें कुछ कटे हुए धनिए के पत्ते डाल रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन का भरता तैयार है। आप इसे जरूर बनाकर देखिए, आपको भी ये बेहद पसंद आएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। इसी तरह की बढ़िया से बढ़िया रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहूंगी मोर इन आर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग शाखा मामा शेफ।